माई यूट्यूब फैमिली साफ फैमिली ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है आप कैसे हैं मैं ऐसा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो फ्रेंड्स मैं उठ गई हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के नौ आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा लेट उठने लगी हूँ पहले तो मैं बहुत जल्दी उठ जाती थी जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम आ रहा है वैसे वैसे मैं लेट उठने लगी हूँ और अभी ना थोड़ी ठंडी भी बढ़ गई है तो इतना आलस आता है सुबह सुबह से मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी उठने का बस ये लगता, लगता है बस सोते रहो सोते रहो क्या है ना रात में नींद नहीं आती बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। एक दो ऐसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है बस लेटे रहो देखते रहो कि टाइम कितना हुआ है प्रॉब्लम होने लगती है नाइन मंथ में लेटने में करबट लेने में फिर ना मुझे सुबह सुबह नींद आती है फिर मम्मी बोली है नींद लेना बहुत जरूरी है तुम रात में नहीं सो पाती हो तो सुबह सो लिया करो तो फिर मैं आराम से उठती हूँ आराम से मस्त और और थोड़ा ना ठंडा ठंडा मौसम हो गया ना तो बहुत अच्छा फील हो रहा है इतना अच्छा फील हो रहा है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फुल डे रूटीन मॉर्निंग टू नाइट तो बस मेरे साथ बने रहिए आप लोगों से बातें तो मैंने बहुत कर ली हैं अब चलो जो जो मैं करती हूँ वो मैं अब कर लेती हूँ <laughs> मिलती हूँ आपसे बाद में उठने के बाद सबसे पहले मैं करती हूँ एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज मैंने अभी नाइन मंथ में करना स्टार्ट की है मेरी डॉक्टर ने बोला है कि अब तुम ये एक्सरसाइज कर सकती हो अब तुम्हारा नाइन मंथ स्टार्ट हो गया है वैसे मैं डकबॉक अकेले भी कर लेती हूँ बट मैं मम्मी की हेल्प कभी इनकी हेल्प ले लेती हूँ सुबह से यही काम है इनका और मम्मी का मुझे एक्सरसाइज़ कराना क्या है ना अकेले मैं करती हूँ तो थक जाती हूँ और बैलेंस नहीं कर पाती हूँ अपने आप को तो फिर हाथ पकड़ के ऐसे मम्मी करा रही हैं और ये वीडियो बना रहे हैं मेरी वैसे सुबह सुबह यही करवाते हैं मेरी एक्सरसाइज डगबॉ करने के बाद फिर मैं इस पोजीशन में बैठती हूँ चार से पाँच मिनट अभी मैं कंटिन्यू बैठ रही हूँ तो चार से पाँच मिनट आराम से बैठ लेती हूँ पहले मैंने स्टार्ट ही किया था जब जब एक से दो मिनट ही बैठ पाती थी और पैर दर्द देने लगते थे तो मैं उठ जाती थी फ्रेंड्स से तो एकदम से नहीं बैठना है आप धीरे धीरे कर सकते हैं थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर आप बैठ सकते हैं अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर स्क्वाड तो एकदम से हमें नहीं बैठना है आराम आराम से जितना आप झुक पाए नीचे तक बैठ पाए आपको उतना ही बैठना है तो मैंने टीवी के स्टैंड की हेल्प ली है आप चाहें तो किसी की और हेल्प ले सकते हैं और कर सकते हैं एक्सरसाइज़ करने के बाद फिर मैं यहाँ पर खा रही हूँ केला तो मैं दो केला खाऊंगी कभी मैं दूध पी लेती हूँ कभी नाश्ता बन जाता है तो वो खा लेती हूँ ऐसा कुछ फ़िक्स नहीं है कि के केला ही खाती हूँ ड्राई फ्रूट्स वाला लड्डू खा लेती हूँ चाय पी लेती हूँ नाइन मंथ में तो अब मेरा स्टार्टिंग से यही है और पहले मैं ज़रूर एक्सरसाइज करने के बाद फ्रूट्स सोग डके हुए ड्राई फ्रूट्स एं एंड नट्स ये सारी चीज़ें लेती थी बट अब नाइन मंथ स्टार्ट हुआ है तो अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गर्म चीज़ें लेती हूँ अभी केला रखे थे तो फिर मैंने कहा मैं केला ही खा लेती हूँ बस केला खाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में तो यहाँ पर मम्मी बना रही हैं खाना इनके लंच के लिए तो आज मेरे यहाँ बन रही है आलू गोभी मटर की सब्जी तो वीडियो तो बहुत बन गई है अब मैं थोड़ा सा मम्मी की हेल्प कर दूँ अभी ब्रेकफास्ट भी बनाना है अभी कुछ नहीं बना है लेकिन समझ नहीं आता है डेली डेली के क्या बनाओ देखती हूँ क्या बनाती हूँ तो बस आलू गोभी की सब्जी बनने वाली है फ्रेंड समझ नहीं आ रहा था फिर मैंने पराठे ही सेंक लिए हमने कहा पराठे बना लेते हैं और आज मैं नाश्ते में करने वाली हूँ चाय पीने वाली हूँ पराठा और आलू गोभी की सब्जी खाने अभी वाली अभी तो मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि सर्दी बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है और आज ना सर्दी हो गई है इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई हवा चल रही है हवा के साथ साथ रात भर बारिश हुई है जितनी बजे से स्टार्ट हो गई हो बारिश ये तो मुझे नहीं है पता जब मैं सुबह सुबह उठी तो बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन हाँ हर जगह गीला है देख सकते हैं आप और हवा भी चल रही है बहुत तेज़ हवा चल रही है और दिसंबर भी स्टार्ट होने वाला है तो अब तो कड़ाके की ठंडी होने वाली है और पता नहीं जब डिलीवरी होगी तो क्या कैसा होगा कितनी ठंडी लगेगी समझ नहीं आ रहा लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि सर्दियाँ सभी को पसंद होती हैं और मुझे भी बहुत पसंद है सर्दियाँ आराम से बढ़िया मस्त कपड़े पहन के बैठो दिन भी इस टाइम अच्छी आती है और मेरे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि इस बार ना आराम ही आराम आराम ही डिले भी हो जाएगी तो कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा आराम से लेट के सो बढ़िया मतलब तो बच्चे का है कि बच्चा कितना क्या परेशान करता है तो उसी का देखना पड़ेगा कि रो रहा है क्या कर रहा है तो वो ही बस रहेगा वैसे तो आराम ही आराम है कुछ काम नहीं करना पड़ेगा तो हाथ भी ठंडे नहीं पड़ेंगे पैर भी ठंडे नहीं पड़ेंगे <laughs> लेकिन ठंडी आज बहुत हो गई है बहुत ही ज़्यादा बालकनी पर खड़ी हो ना तो हवा चल रही है तो बहुत ठंडी और आज तो ठीक है बारिश हुई है तो आज तो कमी है लेकिन कल से बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी अब हम चलते हैं अंदर ब्रेकफास्ट करने के बाद मम्मी से थोड़ी सी बात की स्लिप वगैरह किचन की साफ की और फिर मैं चली गई थी सीधा नहाने के लिए नहा कर मैं आ गई हूँ और ठंडी ना आज बहुत ज़्यादा है मुझे तो बहुत लग रही है ठंडी की वजह से ना इतनी ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही है और मेरा ये प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है तो इसमें ना मेरी अलग ही बॉडी हो गई स्किन हो गई मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा मैं इतनी ज़्यादा मतलब आ, क्रीम वगैरह मॉइस्चराइजर्स लगाती हूँ बट तुरंत ही ड्राई स्किन हो जाती है तो स्किन का भी हमें मतलब ख्याल रखना है केयर करनी है बट मेरे साथ तो पता नहीं क्या क्या हो रहा समझ ही नहीं आ रहा मैं तो हर चीज़ लगा के देख ली है और बस मैं हो गई हूँ तैयार और अब हम चलते हैं पूजा करने के लिए तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर जहाँ पर मेरा मंदिर रखा हुआ है भगवान जी रखे हुए हैं तो बस हम भगवान जी को नहला देंगे उन्हें अच्छे से कपड़े पहना देंगे और पूजा कर लेंगे पूजा करने के बाद अब मैं खा रही हूँ यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वाला लड्डू और साथ में दूध भी पी रही हूँ आज मैंने सुबह दूध नहीं पिया है तो इस टाइम मतलब नहाने के बाद मैं पी रही हूँ वैसे मैं सुबह पी लेती हूँ तो जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो मैं नहाने के बाद करती हूँ तो ऐसा चलता रहता है और दूध पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ सीधा किचन में क्योंकि दाल बनानी है दाल मैं ज़रूर अपने लंच में मतलब लेती हूँ मैंने पहले भी वीडियो में बोला है मैम ने स्पेसली दाल का बोला है और हमें प्रेगनेंसी टाइम पर दाल ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि प्रोटीन सबसे ज़्यादा मतलब दाल में ही होता है तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल और तो मैंने कहा पहले मैं बना के रख देती हूँ दाल थोड़ा सा रेस्ट करूँगी फिर इसके बाद मैं लंच करूँगी तो सब्ज़ी तो सुबह बन गई थी रोटी बस बननी है तो रोटी मम्मी बना देंगी और दाल वगैरह मैं बना लेती हूँ तो गरम गरम दाल खाने में मज़ा भी आता है और अब ठंडी हो गई ना तो मतलब रोटी भी बना के रख दो ना तो वो रोटी में घी लग जाता है चिपक जाती है रोटी तो गरम ही गरम सब कुछ बनाते हैं दाल और रोटी तो बस मैं यहाँ पर बना लेती हूँ जल्दी से दाल दाल बनाने के बाद फिर मैंने एक घंटे रेस्ट किया अब मैं खा रही हूँ अपना खाना तो आज मेरे खाने में है दाल आलू गोभी की सब्ज़ी रोटी सलाद और घी मैं ज़रूर खाती हूँ लंच में और दूध में भी कभी कभी घी पीती हूँ लंच करने के बाद फिर मैं दो घंटे के लिए सो जाती हूँ जैसे ही खाना खाती हूँ इतना आलस आता है और इतनी अच्छी नींद आती है अब मैं उठ गई हूँ अभी बज रहे हैं पाँच शाम के ए ऑफिस से आ जाते हैं फिर मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाती हूँ तो आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा क्योंकि मेरा बहुत मतलब मन कर रहा है सूजी के हलवा खाने का मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी है मतलब मैंने बनाया है बहुत बार सूजी का हलवा बट मैं आज जैसा हलवा बना रही हूँ वैसा मैंने कभी नहीं बनाया ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा मैं कैसा हलवा बना रही हूँ तो सबसे पहले मैंने फ्राई पैन में घी डाला है सूजी डाल दी है सूजी को ना हमें अच्छे से भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा मतलब चेंज ना हो रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सूजी का जो कलर है वो हल्का हल्का सा ना रेड सा हो गया है और अब मैं डाल दूंगी इसमें दूध तो फ्रेंड्स मैंने ये वाला हलवा ना कभी खाया है ना बनाया है मैं मतलब पानी वाला हलवा बनाती हूँ मतलब पानी डालती हूँ तो मैंने यूट्यूब पर ये दूध वाला सूजी का हलवा देखा तो मैंने कहा मैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और हमें ना कंटिन्यू चलाते रहना है जिससे ना इसमें लम्स ना मतलब पड़े और यहाँ पर ये यह थोड़ा सा थिक हो गया है थोड़ा सा और हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे घी भी डाल देंगे जिससे ना थोड़ा चिपके ना और बस अब हम चीनी डाल देंगे चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा मतलब जैसा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ही डाल दें और शायद आपने ये हलवा बन मतलब बनाया होगा आपके यहाँ शायद बनता हो बट मैं फर्स्ट ही टाइम ये हलवा बना रही हूँ और आपको इसका टेस्ट मैं ज़रूर बताऊँगी कि कैसा मुझे लगा और तो बस ये हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है और हमने इसे ना एक प्लेट में निकाल लिया है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डेसिकेटेड कोकोनट मतलब डाल दिया है और अब हमें इसे इस तरह से कट कर लेंगे क्योंकि सेट हो गया है अच्छे से थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है बस तो ये मैंने इस तरह से कट कर लिया है और आज ना ठंडी बहुत ज़्यादा है तो मैं पहले स्वेटर पहन लेती हूँ इसके बाद खाना स्टार्ट करूँगी तो फ्रेंड्स मैंने ये हलवा टेस्ट किया मुझे बहुत पसंद आया अच्छा लगा है फ़्रेंड्स अभी मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी मैम ने बोला है कि मैं वीकली दिखाने आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा ए लास्ट मतलब चल रहा है कभी भी डिलीवरी हो सकती है बस वेट करो पेन आएंगे तो हॉस्पिटल आ जाना क्योंकि इस टाइम ना बेबी के मूवमेंट और पानी सूखने की ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो जाती है अब तो मैं हॉस्पिटल आते रहना है और चेक कराते रहना है तो अभी फिलहाल सब कुछ अच्छा है और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरी नॉर्मल डिले ही हो क्योंकि फ्रेंड्स मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ एक्सरसाइज कर रही हूँ वॉक कर रही हूँ और वैसे भी मैं घूमती फिरती रहती हूँ मतलब मेरा तो अभी यही है फिर किस्मत के ऊपर है देखते हैं क्या कैसा है मैम ने बोला लेन आएंगे नॉन डिलीवरी होगी अगर अच्छे से तो हो जाएगी अगर कोई भी सचुएशन बनती है तो फिर सी सेक्शन होगा तो देखते हैं उस टाइम है। और मैं अब घर जा रही हूँ घर आने के बाद मैंने खाना नहीं खाया है क्योंकि मैं हलवा खा के गई थी और मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है दूध भी पीना होता है तो इस वजह से मैंने खाना नहीं खाया है और मैं रात को खाना खाना कम ही पसंद करती हूँ क्योंकि डाइजेस्ट भी नहीं होता है फिर मुझे लेटने में भी प्रॉब्लम होती है तो अब ना मैं ए हल्दी वाला और गुड़ वाला दूध लेने लगी हूँ पहले मैं प्रोटीन पाउडर के साथ दूध लेती थी बट अभी मैम ने प्रोटीन पाउडर बंद कर दिया है तो मैं ए वाला दूध लेने लगी हूँ दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे गुड़ और हल्दी को और इस तरह से फेंटेंगे मतलब मेरे यहाँ ए फैटना बोलते हैं मिक्स करने को और इससे ना हल्का हो जाता है दूध तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है तो बस यही मैं रात में पी रही हूँ आज तो आपको ये मेरा फुल डे रूटीन मॉर्निंग टू नाइट कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना और आप लोग मेरी ये रूटीन वाली वीडियो पसंद कर रहे हो इसलिए मैंने ये फिर से एक अपना रूटीन बनाया है बाय